दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इंडियन एम्बेसी का मेल आईडी कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन एम्बेसी का हमको मेल आईडी फाइंड करना है किसके लिए, हमारे बायर्स और सप्लायर को वेरीफाई करना है और बायर की लिस्ट मंगवानी है इंडियन एम्बेसी से। उसके लिए हमको यहाँ पर इंडियन एम्बेसी का कॉमर्शियल विंग यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का मेल आईडी लगता है। तो कैसे फाइंड करते हैं चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आएंगे, हमारा जो भी कंट्री का आपको मेल आईडी फाइंड करना है उसका यहाँ पर आपको नेम लिखना है, क्या इंडियन BAWSY एम्बेसी एट कौन सी कंट्री का आपको फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हमको लेना है वियतनाम, तो वियतनाम का हम यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद उसकी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी www.indianembassy.hanoi.gov.in। उसके बाद इसकी यहाँ पर आपको दी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वर्ड्स दिखेंगे आपको। यहाँ पर लिखा है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी वो कॉमर्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज इवेंट वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोविड हैंडलर किट्स, ओके। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो भी इंडियन एम्बेसी की जो एक्टिविटी इवेंट्स वो सारे के सारे न्यूज लेटर और जो भी फेस्टिवल्स वगैरह रहता है वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, वे है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट दिखेगा कहीं पर ऊपर की साइड में, यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट अस में जाना है। कॉन्टेक्ट अस में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको सारा का सारा यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर आपको जो मेल आईडी फाइंड करना था वो आपको यहाँ पर मिल गया है। इसको आपको कॉपी करना है और आपको मेल सेंड कर देना है कॉमर्स डिपार्टमेंट को, इसमें ही आपको मेल करना है। अगर आप यहाँ पर मेल करोगे और यहीं पर मेल करोगे तो ये आपको आंसर नहीं देंगे, अगर आंसर भी देंगे तो ये कहेंगे कि आपको इस मेल आईडी पर ही आपको मेल करना है। और मोस्ट ऑफ केस में यहाँ पर COM लिखा होगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला COM लिखा, हम इंडोनेशिया देखते हैं। इंडोनेशिया में हम प्रोसेस सेम टू सेम है, कॉन्टेक्ट में जाना है कहीं पर काउंसलेट कॉन्टेक्ट, यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपको यहाँ पर ई कॉमर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव दिखता है तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आपको जो यहाँ पे उसकी साइट में यहाँ पर कॉन्टेक्ट कहीं पर नहीं दिख रहा है, एम्बेसी काउंसलर बायलेटरल वीजा पासपोर्ट एजुकेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट अपकमिंग इवेंट ग्लोबल प्रवासी रजिस्टर पोर्टल, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नहीं दे। तो आपको क्या करना, आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहीं पर कहीं पर कॉन्टेक्ट दिखा होगा, अगर नहीं भी है तो यहाँ पर कहीं पर भी उसका कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर नहीं है तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पर देखो यहाँ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, इसमें कॉन्टेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर भी COM लिखा ही होगा आई थिंक फॉर वीजा पासपोर्ट काउंसलर कॉमर्स, देखिए लिखा है ना COM, तो जो भी मेल आईडी में COM लिखा है आगे उसमें ही आपको मेल करना है। दोस्तों ऐसी ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यूजफुल वीडियोस और इंफॉर्मेशन लेने के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।